हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचबी स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में कुछ ऐसे सेंटेंस पढ़ने वाले हैं जो कभी कभार इस प्रकार के सेंटेंसों का प्रयोग कर ही देते हैं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं, आगे एक पेट्रोल पंप है, आगे एक अच्छा होटल है, आगे एक मोड़ है, आगे एक स्कूल है, आगे एक पुल है। इस प्रकार के सेंटेंस हम लोग जो बोलते हैं तो उसे बनाएंगे कैसे, तो देखिए मैं जितना भी सेंटेंस बोला इस सारे सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, तो इसमें हम लोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देयर का प्रयोग करेंगे। देयर का प्रयोग करेंगे इस बाबू, और देयर के बाबू प्रयोग करने के बाद नाउन के अनुसार हम लोग हेल्पिंग वर्ब प्रयोग कर देंगे, इज आर। उसके बाद बार बार इसे देखिए, जो भी सेंटेंस में बोला हूं तो एक बोला हूं तो इसमें आर की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, जब पड़ेगा तब इज ही का प्रयोग करेगा, और उसके बाद में उसके अनुसार आप जो है कि आर्टिकल का प्रयोग करिएगा अगर काउंटेबल नाउन है तब। और देखिए जो भी सेंटेंस है ना, इन सारे सेंटेंस के अंत में आपको अहेड प्रयोग कर देना है। अहेड मतलब होता है आगे। जैसे पहले इसमें लिखना है देयर इज, देयर लिखना है और देखिए नाउन सिंगुलर है तो इज का प्रयोग कर दीजिएगा, उसके बाद में आर्टिकल ए एन जो भी हो, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि नाउन, और उसके बाद अहेड आपको लिख देना है। जैसे कि देख लीजिए, आगे एक स्कूल है, आगे स्कूल है तो पहले देयर आप लिखिए, उसके बाद एक स्कूल है इज ए स्कूल, आगे है ना, तो आगे का इंग्लिश होता है अहेड, अहेड यानी कि आगे। आगे एक गड्ढा है, देयर इज ए पिट, अहेड। आगे एक पुलिस वाला खड़ा है, आगे एक पुलिस वाला खड़ा है, देयर इज ए पुलिसमैन। बस इतना से ही इसका अर्थ निकल गया। अगर खड़ा का चाहते ही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी बन जाएगा, देयर इज ए पुलिसमैन। स्टैंडिंग और दोनों में अहेड का प्रयोग होगा, इसमें भी अहेड प्रयोग करिएगा जो आगे का इंग्लिश है। आगे एक पेट्रोल पंप है। अगर ये सेंटेंस आप लोगों को समझ में आए हैं तो प्लीज इस सेंटेंस का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को बिना लाइक किए भाई आगे ना बढ़िए।